Welcome to Essentially Physics classes. Now I am going to discuss telescope. यदि बेटा आप CBSE point of view से जानते हो तो CBSE में केवल इतना पूछता है जो टेलीस्कोप का वर्किंग बताइए. नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी और इसका मैग्नीफाइंग पावर पूछे. लेकिन जब आप नीट की भी तैयारी करते हो, JEE की भी तैयारी करते हो, तो उस कंडीशन में आपको दोनों केस पता रहना चाहिए. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, 4 लाइन 5 लाइन एक्स्ट्रा लिख दोगे तो दोनों केस हो गया, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखना है. अब हम जिस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं आपको इस तरह से ही लिखना है. अब आपको देख लो इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन में दे दिया हमने. टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, यहां आप ही दो, यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. बस सिंपल इंट्रोडक्शन. व्हाट इज दिस इंट्रोडक्शन में आपने दे दिया. इंट्रोडक्शन का दूसरा पॉइंट आप देखते हो टेलीस्कोप होते कितने टाइप के होते हैं. तो टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिव टाइप का होता है, मतलब लेंस से लाइट पास करेगा, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप. और एक होता है रिफ्लेक्टिव, जहाँ पर हम लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं. हेवनली ऑब्जेक्ट जितने भी हैं जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सबका शेप राउंड है, इसलिए उसका इमेज उल्टा या सीधा से कोई अंतर नहीं पड़ता है. तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी यूज कर लेते हैं. अब आप ये देखो इसी में से टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप. Telescopes are of following types. ये इस तरह से होते हैं. पहला refracting type telescope. रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और इसी में आपके जैसे लिखते हो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इट यूजेस लेंसेस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. अब इसका जैसे आप देखते हो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इट यूजेज लेंसेज टू लेंस की मदद से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं. और इसके एग्जाम्पल जैसे आप आते हो एग्जाम्पल्स में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का इट यूज दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to see heavenly bodies like sun, stars, planets,
satellite, satellites, etc. ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल. दूसरा होता है आपका इसी में टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. अब देख लो बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. अब आपने इसमें एस्ट्रोनॉमिकल इसका एक एग्जांपल है, इसमें दूर दूर की ऑब्जेक्ट देखते हैं किसका, हेवनली बॉडीज का, जो आसमान में है, स्टार्स है, प्लैनेट है, सैटेलाइट्स है. और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यहां पर लिखे थे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैन यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस पर जो दूर दूर तक है कोई ऑब्जेक्ट उसको देख रहे हैं. इसका जनरली आपके देखते हो गनमैन वगैरह यूज करते हैं राइफल में लगा के टेलीस्कोप, आपने पिक्चरों में देखा होगा राइफल के आगे टेलीस्कोप लगे रहते हैं तो दूर के ऑब्जेक्ट को हम देख लेते हैं. तो धरती के ऊपर यदि कोई देखते हो तो उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. ये ए के पार्ट हो गए. उसी तरह से रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. दूसरा देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इट यूजेज रिफ्लेक्शन. It uses parabolic, क्या क्लियर ही लिख देते हैं, parabolic spherical mirror, parabolic spherical mirror to view distant objects. अब इसके भी कौन कौन टाइप्स होते हैं तो पहला देख लो न्यूटोनियन. अब बताते हैं न्यूटन के हर क्षेत्र में देख लो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. और दूसरा है कैसे यूरेनियम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. इस तरह से आपके इंट्रोडक्टरी में आपको इतनी बातें याद रखना है. और वो भी इसलिए देख लो बेटा आज के डेट में आप जानते हो 20 मार्च के आपके 1 मार्च क्वेश्चन आ जाते हैं सीबीएसई में, जैसे यहाँ पर आपको ये मदद करेगा तो उसमें यही सब भीतर से कागज नंबर के डालते हैं. इसलिए जब एक क्वेश्चन करो तो पूरी तरह से करो. आगे बात समझ में. वेलकम टू एसएम चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी कुरकुल. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. रियल में पीछे हमने इंट्रोडक्शन में दिए थे टेलीस्कोप क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के काम आते हैं. ये दो टाइप का होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप. अब इन्हीं में टेलीस्कोप के कई टाइप्स हैं जिसमें जो मेन है या प्रिमेटिव है ये है गैलीलियन टेलीस्कोप. इसी को हम गैलीलियो टेलीस्कोप भी कहते हैं और इसी गैलीलियन टेलीस्कोप लिखे हमने और इसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं. सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आपके पूछ रहे थे वर्किंग
वर्किंग पूछ लेते हैं, आपको पूरा डिफिनेशन वर्ड देने की जरूरत है। डिफिनेशन शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ, पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार पेपर का पैटर्न बदल गया है, वन मार्क क्वेश्चन आ रहे हैं, या आपके वन मार्क क्वेश्चन के दूसरे बार केस स्टडीज क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पर इस तरह के नॉलेज दे देते हैं। तो छोटी छोटी पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सिंपली वर्किंग रहता है और मैग्नीफाइंग पावर निकालो, ये चार लाइन में आप बच्चे बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ को इंट्रोडक्शन देना है, वर्किंग से पहले मुझे प्रिंसिपल देना पड़ेगा, प्रिंसिपल देते हैं, प्रिंसिपल के बाद अब आपका वर्किंग दो टाइप के होते हैं, इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टिंक्ट सब डिस्टिंक्ट डिवीजन, और दूसरा होता है इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनते हैं। दिस केस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसी को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। बेटा जब भी पेपर आए, आपके पास टाइम है तो डिटेल से लिखो, टाइम नहीं है तो तब आप कम से कम हर एक पॉइंट का एक एक लाइन तो लिख ही सकते हो। व्हाट इज टेलीस्कोप, देखो इंट्रोडक्शन में, और टेलीस्कोप यूज्ड टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, सैटेलाइट इटीसी इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें एक पैटर्न और आपको हम सिखा रहे हैं, जब आपको डिफिनेशन लिखते हो सिंपली हम स्मॉल लेटर से लिख दिया करते हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए आप कैपिटल से लिख के यहाँ पर दिखा देना, यह हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या गैलीलियो टेलीस्कोप, अब कौन हर एक में एक दो पॉइंट हम डाल देते हैं, एक दो पॉइंट हम डालते हैं, इसका ध्यान से देखो क्या करते हैं। इट इज अ रिफ्लेक्टिंग गैलीलियो टेलीस्कोप, हमने लिखा है गैलीलियो टेलीस्कोप इज ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, टेलीस्कोप telescope, it is a refracting type telescope, uses two lenses, जो दो लेंस को यूज करते हैं, lenses, one lens which is toward object is called objective lens, and other which is towards the observer is called eyelens भी बोलते हैं, eyelens और आईपीस भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। दो तरह के लेंस रहते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरफ और एक ऑब्जर्वर जो हम देखते हैं आंख की तरफ, तो उसको आईलेंस कहते हैं। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, ये हो गया गैलीलियो टेलीस्कोप के बारे में। ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल और भी होते हैं, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल का डिफिनेशन हो गया, और यहाँ पर हमने दिया गैलीलियो टेलीस्कोप गैलीलियन का। पेपर में एस्ट्रोनॉमिकल पूछते हैं बच्चे लिख देते हैं, गैलीलियन पूछ लेते हैं बच्चे वहाँ धक्के खा लेते हैं। यहाँ पर ये देखो इंट्रोडक्शन के बाद अब इसका प्रिंसिपल देखो, ये प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं।
अब इस प्रिंसिपल के दो पार्ट हैं, एक जिसके कारण हम इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ पर बनाते हैं, फोकस पर। तो पहला प्रिंसिपल ये हो गया, देखो पहला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी इट्स इमेज इमेज फॉर्म बाय लेंस एट फोकस, जो इन्फिनिटी पर है उसका फोकस पर इमेज बनेगा। और इमेज इज यहाँ पर दिखा दिए। दूसरा क्या हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इमेज इमेज फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इमेज फॉर्म्स इज वर्चुअल मैग्निफाइड मैग्निफाइड एंड इरेक्ट, ये इमेज इरेक्ट बनते हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाइन बिटवीन, लाइन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहने मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उसके रिस्पेक्ट में। अब एक इमेज तो मानो उल्टा बना देगा, अब इसी को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो उल्टा का भी इमेज भी उल्टा ही रहेगा, फाइनल इमेज हमारा रहेगा। तो लेकिन प्रिंसिपल आपका ये है, प्रिंसिपल के बाद अब आपके आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन। अब देख लो कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस फिटेड कोएक्सियली, कहने मतलब दोनों का एक्सिस एक संग है, साथ है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस फिटेड कोएक्सियली इन अ ट्यूब, एक ट्यूब में इसको हम फिट करते हैं। ट्यूब में आगे पीछे जो करते हैं इसका नाम पूछ लेते हैं मेथड, उसको रैक एंड पिनियन मेथड्स कहते हैं। लेंसेज आर एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन मेथड्स, वो भी लिख ही देता हूँ पिछले, लेंसेज आर एडजस्टेड एडजस्टेड बाय स्लाइडिंग स्लाइडिंग बाय रैक एंड पिनियन पिनियन मेथड्स, इसको कहते हैं रैक एंड पिनियन मेथड। बेटा लाइन में आप जाते हो और ऑब्जेक्ट को स्लाइड रखते हो तो ऐसे घुमाने वाला रहता है ना, जिसके कारण लेंस ऊपर नीचे जाते हैं फोकस करने के लिए। तो आपका ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस है, इट इज ऑफ लार्ज अपर्चर, इट इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ लेंथ एंड लार्ज अपर्चर,
बी इसको कहते हैं आइलैंड्स, आइलैंड्स हम आइलैंड्स बोल दिया करते हैं बुक वाले, कोई आइटीज बोलते हैं कोई आइलैंड्स बोलते हैं, सबके अपने अपने मेथड्स हैं। एट इट इज ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ लेंथ एंड ए स्मॉल अपर्चर, अपर्चर भी इनका छोटा रहता है। अब आपके कंस्ट्रक्शन में इतना लिखने, इससे ज्यादा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या आएगा, वर्किंग। अब आपके आगे वर्किंग, तो देखो बेटा इसके हेडलाइन जैसे आपने दिए हो टीचर के लुक करेंगे, कुछ नहीं लिखोगे, 1.1 इसके अंदर 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, इसमें नाम भी लिख दिए कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। तो बेटा जब पॉइंट देखेंगे टीचर, हर पॉइंट पर आधा नंबर भी डालेंगे तो 3 नंबर में कहाँ जाएगा नंबर। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं वर्किंग, वर्किंग व्हेन, वर्किंग व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनेटिव। इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनेटिव। It is called normal adjustment. It is known as normal adjustment. ये normal adjustment में है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अब रे डायग्राम बनाना है। देखो बेटा हमने क्या कहा, आसमान का देखना है, हम जितना बड़ा लेंस लिखेंगे उतने बड़े एरिया देखेगा, उतने ज्यादा लाइट आएंगे, दूर से जो इमेजेस हैं ऑब्जेक्ट है जैसे स्टार्स है प्लैनेट है सैटेलाइट, उनका इमेज यहाँ बनेगा। अब फोकल प्लेन देख लो, ये एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर फोकस है, तो फोकल प्लेन का मतलब ये हो गया, अब ये फोकस के ऊपर एक प्लेन वर्टिकल कर दो, अब वहां से तो एडजस्टमेंट नहीं होते एंगल का, तो अब ये मान लो फोकस पॉइंट है, यहां बने चाहे इधर बने चाहे इधर बने चाहे ऊपर बनेगा इसी प्लेन में, जिसको हम फोकल प्लेन कहते हैं। अब इसका इमेज कैसे बनाना है तो देख लो बेटा, अब आपके यहां पर वर्किंग के भीतर पहला पॉइंट बना देते हैं, रे डायग्राम, रे डायग्राम, और रे डायग्राम में हमने क्या क्या बड़ा सा लेंस बना लिए, ये लाइन खींच देना, इसके बाद यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। अब यहां से जो आएगा, देखो बेटा हम जनरली क्या जानते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं, और हेवनली ऑब्जेक्ट जो है उनके साथ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे सेट होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वहां से अब आप लोग कहते हैं सर यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे तो यहाँ से निकलेगा फोकस से, यहाँ पर इसके ऑप्टिकल सेंटर को हमने सीन आउट लिख दिया, इसलिए यहाँ से जो लाइट आएगा। अब देख लो यहाँ भी गलती है, यहाँ पर हमने एफ नॉट डैश लिख लिया, यहां पर ठीक इतने डिस्टेंस हट के हमने 2F0- लिखा, यहां से इतना डिस्टेंस हट के हमने F0 और यहां पर हमने 2F0 लिखा। अब यहां से जो चलेगा तो जो पैरेलल आते हैं वो तो फोकस से पास करते हैं, अब ये टेढ़े आए हैं टेढ़े वाले कैसे जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे फोकस। अब आपके यहां पर एक पॉइंट इसी की सीध में ले लो, अब यहां से एक लाइन हमने पैरेलल खींचा यहां पर जाके गया, और ये जो जाएगा ये भी यहां से ऐसे ही कट कर दो, यहां से ये जो आएगा ये भी ऐसे कट कर, ये सारे रेज हैं,
इन्फिनिटिव से आने वाले सारे के सारे रेज आपके पहले जाते हैं। फोकस से भी कटा क्या? फोकस फोकस से भी कटा वो, अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ से इसको ऐसे निकाल दिए, जो ऑप्टिकल सेंटर से गया वो तो सीधे में चला गया, और ये टेढ़े आएंगे। अब देखो यहाँ पर फोकस, हमने अभी क्या बताए थे, फोकस ये प्लेन पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक सरफेस खड़ा कर दो, इसी सरफेस के ऊपर चाहे नीचे इस जगह में कहीं न कहीं बनेगा। ये फोकस पर एक प्लेन है, जिस प्लेन पर यहाँ बन रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, ये देख लो टेढ़ा है, सीधा कर दो तब तो ये फोकस ही निकलेगा। लेकिन हेवनली बॉडी से आने वाले लाइट की और हमारे टेलीस्कोप का एक्सियल लाइन एक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये इमेज टेढ़े दिखाते हैं। आए बात समझ में? अब यहाँ पर जैसे ये बन गया बेटा, ये फोकस बन गया, यहाँ पर ये इमेज बन गए, तो सिंपल सा हमने इमेज को यहाँ पर बना दिया। इमेज बना लिया, ये हमारा एवी ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया सॉरी। अब यहाँ पर समझ लो, कुछ समय के लिए आपके कंफ्यूजन नहीं हो, मानो कहीं पर ये एवी रहता कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो उसका यहाँ पर हमने इमेज बना लिया ए डैश बी डैश। अब हमें बनाना है दूसरा लेंस, ये बड़ा लेंस लेते हैं क्योंकि अधिक दूर का लाइट आएगा तो इमेज की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, और साथ साथ बड़ी एरिया कवर करेंगे तो हम सभी को देखते हैं। इसलिए आजकल क्या करते हैं, लेंस का मेजरमेंट 2-3-4 दे देते हैं न्यूमेरिकल्स में, और बताओ इसमें से किस लेंस का यूज करके हम टेलीस्कोप बना सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंस, स्मॉल स्मॉल ये हो गए, इसी को उल्टा कर देते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह बन जाते हैं। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पीछे जो है लार्ज अपर्चर नहीं रहता है, लार्ज फोकल नहीं रहता, उसको हम मॉडरेट कर देते हैं। यहाँ पर ये इमेज बन गया। अब हमने क्या किया देख लो, ये हमने इमेज ए बी लिख लिया यहाँ पर। अब दूसरा लेंस जो है उसको देख लो, इसी डिस्टेंस पर है, देख लो इक्वल हमने लिए है। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से बना लो, इसका ऑप्टिकल सेंटर यही हो गया, ये है हमारे पास। अब इस रेज को हम आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देंगे इसका दो तरीका है, एक तो सिंपली आप अपने हिसाब से चलो भाई, पैरेलल खींचा हमने, ये ऑब्जेक्ट तो मेरे लिमिट में है, पैरेलल खींचा ठीक, यहां पर आपका ये लिख लो एफ, ये आपका सी ई है, और यहीं पर एफ ई है, एफ ई डैश, और यहां पर एफ ई है, टू एफ लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ा, हमने यहां दिखाया है ये इसके जगह पर लिखे है। अब इसके कारण ये लाइट तो यहां से निकलेगा ऐसे सीधे में फोकस से, और यहाँ से ये लाइट सब जो गिराते हो, इस लाइट सब को भी थोड़ा हम टेढ़ा करके यहीं गिरा देते हैं भाई, ये भी लाइट यहाँ से निकलेगा तो ऐसे, और ये जो लाइट देखते हो इसको आगे गिराते हम, तो चलो ये आप यहाँ तक आ गए, ये लाइट जो इधर जा रहे हैं इसको पीछे पर आने पर ये पैरेलल बन गया। इमेज फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। अब यहां पर देखो एस्ट्रोनॉमिकल में इसने इमेज बनाया उल्टा, लेकिन हेवनली बॉडीज यू नो दैट सन स्टार प्लैनेट ऑल आर इन स्फेरिकल शेप, इसलिए उसके उल्टा और सीधा बनने से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। आए बात समझ में? ये गैलीलियो ने ही बनाया था, ये हमने लिख दिया इसको, आ गए बात समझ में? अब ये उल्टा सीधा से इमेज कहां बनेगा? इस पर। अब देख लो बेटा इसका ये कितना हो गया एफ फोकस एफ नॉट यहां तक,
यहाँ तक, और इसका कितना हो गया ये एफ ई, दिखा दिए कंडीशन हमने लिख दिया, रे डायग्राम बना दिए, यहां लिख दोगे द एस्केमेटिक, द एस्केमेटिक रे डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन इज, ए लिखे थे, बी लिखे, बी में ए लिख दो, इज सॉन्ग इन फिगर, ये हमारे पास आ गए। हैव यू रिटेन दिस साइड, इस साइड आप लोगों ने लिख लिया, ये आपके यहां का तफसील पे आ जाओ। अब इसका कहता है मैग्नीफाइंग पावर, यहां पर फिर भी हम लिख देते उससे पहले ए डैश बी, ए बी इज ऑब्जेक्ट, यहां लिख देता हूं ए बी इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी हुज रियल inverted and diminished, very diminished, diminished image, image is A dash B dash formed by objective, objective lens। यहां पर अब आपको ऑब्जेक्टिव लेंस लिख दो, इसको ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको आई लेंस लिख दो, आई लेंस ये हमने लिख दिया। डी नाउ आई लेंस, आई लेंस इज एडजस्टेड सच दैट, सच such that A dash B dash lies on its focus and image forms at infinitive, infinity पर image बनते हैं। इसको इस तरह से कहिए ए बी इसके फोकस पर आ जाए, इंफिनिटी पर इमेज बनते हैं। डी फाइनल, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ऑरिजिनल ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सारे हवाली बॉडी है, स्फेरिकल शेप में है, इसलिए इसके उल्टा और सीधा से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आपके पास यहां तक वर्किंग में डालिए, अब आप आ जाओ मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। अब ये इसका यहां पर आपको डेफिनेशन भी देना है। यहां देखो द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय इमेज फाइनल इमेज
final image at I to the angle subtended by object when both lie at infinity is called its magnifying power. मैग्नीफाइंग पावर को बेटा पहले ही निकाल दिए एमसीएम शो करते हैं. रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, यही ब्रैकेट में लिख देता हूं बीटा टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यहां पर लिख देता हूं अल्फा. ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया वो अल्फा है, इमेज ने जो बनाया वो बीटा है. मैग्नीफाइंग पावर को एम लिखते हैं. देयरफॉर m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा. अब कहोगे सर इसमें तो मुझे बीटा दिखते ही नहीं है, अल्फा दिखते ही नहीं है. अब आप यहाँ देख लो, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये बन गया अल्फा और यहीं से हमने एक रेज और ले लो बेटा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं. ये रेज भी आपके इधर चले गए पैरेलल में. ये इसने एंगल बनाया आपका बीटा, देख लो. फॉर स्मॉल एंगल्स इन रेडियन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर एम इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा. आगे बात समझ में यहां पर, और यहीं पर थोड़ा हम एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिख देते. टेन बीटा की क्या वैल्यू लिखेंगे बताओ. बीटा हम पूरा इंफिनिटी पर ले चाहे यहां से ले, एंगल तो सेम ही बन रहा है. हो गया a डैश b डैश अपॉन CE CE for optical center of islands. CE B dash upon इसमें हो गया A dash B dash, अल्फा के लिए भी यही हो गया आपके CO B dash, ये निकल गया हमारे पास. नेक्स्ट लाइन में ऊपर रब करूं, नेक्स्ट लाइन में यही पूरा कर देते हैं. चलो आप लोग ऊपर नीचे लिख लेना, बी डैश अपॉन सी ई बी डैश इंटू सी ओ बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश. ये देखो ए डैश बी डैश कट गया, हमारे पास अब रिजल्ट आया. बेटा यहां हम करते हैं अब आपके बन गए इम्प्लाइज m इक्वल टू सी ओ बी डैश अपॉन सी ई बी डैश, दिस इक्वल टू f नॉट अपॉन f e, m इक्वल टू f नॉट अपॉन f e. हमें दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. अब यहां देखो बेटा मैग्निफिकेशन अधिक कब होगा, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम अधिक कब होगा, जब एफ नॉट बड़ा होगा ये छोटा होगा. अब आपको समझ में आया जो ऑब्जेक्टिव डायमेंशन लार्ज फोकल लेंथ लेते हैं और आई लेंस को हम स्मॉल लेते हैं. अब यहां पर देख लो स्पेशली फॉर एम ग्रेटर देन वन एफ नॉट
ग्रेटर देन एफ ई, ये मैग्नीफाइंग पावर तक आ गए। अब ट्यूब लेंथ यहां पर देख लो, ट्यूब लेंथ कभी कभी पूछ लेते हैं, जो इस ट्यूब में आपने लेंथ को दिखाया हो, देख लो ऐसे करके ये ट्यूब है, ये ट्यूब जाएगा ऐसे करके, ये ट्यूब सेट किए हो, यहां से यहां तक एफ नॉट हो गया और यहां से यहां तक एफ ई हो गया, तो दोनों के बीच का ट्यूब लेंथ कितना बड़ा होगा, एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर, दैट इज ओके। नाउ वी आर गोइंग टू वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पहला केस में आपने देखा इमेज इन्फिनिटी पर बनता था, अब हम चाहते हैं इमेज को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाए, दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। अब आपके यहाँ पर ये डायग्राम हम बना देते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका ये फोकस हो गया, यहां से अपर्चर, यहां से एक रेज आ रहा है, यहीं से दूसरा रेज, देख लो पैरेलल सारे आ रहे हैं पैरेलल। अब इसका यहां पर हमने एफ नॉट डैश लिए हैं, ठीक इतना ही हट के हमने एफ नॉट हमने ले लिया। अब यहां पर देखो ये यहां से क्या करना है, एक पॉइंट यहां निशान लगाए, ये लाइट यहां से पास करा दिए। अब यहां पर ये लाइट पास किए और भी एक रे इसी के पैरेलल खींच लो, ये पॉइंट भी यहां से निकाल दिए। अब इस तरह से यहां पर बन गया ए डैश, इधर हमने कंसीडर कर लिए थे, मान लो हमारे पास ए और बी ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, यहां इमेज बन गया ए डैश और बी डैश इमेज बन गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा लेंस हम यहां पर रखते हैं, ये इसके फोकल लेंथ छोटा है, देख लो बेटा इसका एफ ई यहां पर है, एफ ई डैश इधर है और ये इसके है, हमने एफ ई इधर लिखे। अब ये जब मेरा इमेज बन गया किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, यहां से हम जनरली एक रे अपना पैरेलल खींच लेंगे, हमें यह ले जाने की जरूरत नहीं है, ये पैरेलल हो गया जो एफ से आपके पास कर जाएंगे, और दूसरा रे हमारा इधर से जा रहा है, ये दोनों आगे जा रहे हैं या डाइवर्ज हो रहे हैं, आगे चल के मिलेंगे नहीं, यहां पर हमने खींच लिया इसको यहां पर मिला दिए, ये बन गया हमारा ए डबल डैश और यहीं से हमने इमेज बना दिए बी डबल डैश, ए भी ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर डायग्राम बनाते हो, इधर वाले का एंगल हमारा ये अल्फा ले लिया हमने, इधर वाले इसका एंगल हमने बीटा ले लिए, सब कुछ वैसा ही है यहां पर, स्कीमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शोन इन फिगर, पहला पॉइंट, दूसरा ए डैश बी डैश इज इमेज एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव formed by objective lens
नाउ आइलेंस इज एडजस्टेड, ये ऑब्जेक्टिव को ओ लिख दिया, इसको आई लिख दिया हमने। नाउ आइलेंस, आइलेंस इज एडजस्टेड सच दैट ए डैश बी डैश लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइलेंस। इस तरह से एडजस्ट किए, यह आइलेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा CE है, ये हमारा CO है। CE और FE के बीच में पड़ता है। D इमेज फॉर्म बाय आइलेंस, आइलेंस इज वर्चुअल एंड वर्चुअल फॉर्म बाय आइलेंस इज ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हमने बना दिया, इसका ए डबल डैश हो गया। अब इसके मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय इमेज लाइन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिस्टेंट रीजन एट आई टू द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट लाइन एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पर जो आ रहा है एंगल, यहां पर देख रही है अल्फा एंगल बना रहा है इन्फिनिटी, यहां पर ये हमने लिखा देयरफॉर, देयरफॉर एन इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, पिछले की तरह एन इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, एन इक्वल टू टेन बीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से बनते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन सी ई बी, सी ई बी डैश, सी ई, सी ई बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन सी ओ, यहां पर ये यही हमारा एफ नोट भी है, सी नोट बी डैश, ये हमने लिखा बेटा। और यहां से देखो ये इन्फिनिटी था, इसलिए ये इमेज का डिस्टेंस हो गया एफ नोट, और इसकी डिस्टेंस हमने लिख दिया यू ई, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने यू ई लिख दिए। अब देख लो जो आप ऊपर वाले में लिखे थे सब कुछ वही लिखे हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो एन इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी ई बी डैश इन टू सी नॉट बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया एम इक्वल टू सी नॉट बी डैश अपॉन सी ई बी डैश। अब सी नॉट बी डैश देखो यहां पर एफ नॉट हो गया, नेक्स्ट लाइन में एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन यू ई, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा। देखो बेटा वहां पर ये फोकस हो जाता था तो एफ ई लिख देते थे, यहां पर हमने क्या लिख दिया यू ई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ यूजिंग लेंस फार्मूला, इसके लिए हम यूजिंग लेंस फार्मूला निकालते हैं।
Now, using Lenz formula. Formula क्या है? 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. अब इसमें सबका वैल्यू पुट कर दो. Here, U equal to UE, V equal to minus D. देख लो बेटा, object इससे इधर जा रहा है, तो minus D लिए, link distance of distinct region, और F equal to FE. Result में देखो क्या आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 1 by minus D, माइनस 1 बाई यू की जगह पर यू ई इक्वल टू 1 बाय एफ ई. अब यहां पर माइनस डी है, हम उसी को इधर ले आते हैं चाहे इसको उधर ले चलते हैं. माइनस 1 बाय यू ई दिस इक्वल टू 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी. माइनस हम देख लो यहां पर ये हमारे पास आ गई. माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 by FE plus 1 by D. और एक चीज और छूट गया बेटा, ये ध्यान दो, ये माइनस है, ये दोनों मिलकर प्लस हो गया. अब यहां पर जो हमने लिखे थे F naught लिखे थे, 1 by U, U ही है ना. Therefore, now n equal to f naught upon u e, that is f naught into 1 by u e. ये second equation हो गया. Putting अब यहां लेंगे from first, putting the value of 1 by u e from second. इस हिसाब से हमारे पास n equal to f naught into 1 by f e plus 1 by d. यहां तक निकल गए. आगे बात समझ. अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 1 by f e. f e यदि हम कॉमन लेते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, m upon f naught upon f e. यहां तो 1 बच गया बेटा, और यहां पर एफ ही नहीं है, एफ ही मुझे यहां लिखना पड़ेगा. अब इससे भी मल्टीप्लाई भी कर दोगे 1 बाय एफ ही से, ये बन जाएगा 1 बाय एफ ही, एफ ही एफ ही कट जाएगा, ये 1 बाय डी. दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. अब आपको देखो बेटा, हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के वर्किंग के मैग्नीफिकेंस दोनों केस लिख दिए हैं पेपर में, इसमें जहां से भी पूछे आप आराम से कर सकते हो. अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कैसग्रेनियन टेलीस्कोप, वो नेक्स्ट में हम कर देंगे. और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलो, कईयों के फायदे मिलेंगे. और आपको कोई डाउट हो या हमसे कोई मिस्टेक हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल दो, जिनका हम समाधान करेंगे विद इन 24 आवर्स. थैंक यू.